आवर स्टडी चैनल मुझा आज पे आम पढ़ा दि ट्रंक ऑफ गणेश पार्ट टू सेकेंड पार्ट पढ़ा पे फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आम पढ़ी जे गोविंद महाराणा किपर तार सुपरस्टिशन को लेकिन बंचीचे जीवन सारा एंड से निजे निजे ही भावुचे मुझे कौन एमती भूल कली जो कौन हो ना एमती मो सहित घटू तो बर्तमान आम देखा नेक्स्ट परवर्ती सिचुएशन बोले ओके तो पढ़ा पूर्व बोले गोटे कथा कहूँ जदि चैनल को प्रथम थर पर आसे चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एंड जदि वीडियो भल लगे तो निश्चित भाव में लाइक करने को भूलु ना एंड फ्रेंड्स मानक सहित अधिक रु अधिक सेयार कर जहाँफल कि आम समस्ते पढ़ी पार क्लीयर पे एंड मुझ जो वे पढ़ू प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इंटोनेशन एंड स्ट्रेस देके ट्राई कर कि सेमती पढ़ापाई ताकि तुम रीडिंग स्किल बहुत भल हे एंड स्पीकिंग एबिलिटी भल हे जेहेतु प्रोनाउंसिएशन तुम भल हे क्लीयर पे बर्तमान देखा आम नेक्स्ट पाराग्राफ परहैप्स द क्ले ही हैड बीन यूजिंग वाज जस्ट दैट मेजर सॉर्ट ऑफ इट्स एडहेसिव क्वालिटी व्हिच मेक्स फॉर ए स्मूथ टाइट बाइंडिंग बट इट वाज द सेम क्ले ही हैड बीन यूजिंग फॉर इयर्स फॉर इनमेरेबल इमेजेस ही हैड परफेक्टेड एंड सोल्ड देन व्हाई द सडन टीयर एट द पॉइंट वेयर द एलिफेंट ट्रंक टुक ए टर्न एंड स्वंग जेंटली डाउनवर्ड वाज द वेट टू हेवी फॉर द क्ले मोल्ड ऑफ द इमेजेस फेस टू सपोर्ट इट सुलोचना डिडेंट वॉन्ट टू क्वेश्चन हिम अबाउट हिज वर्क फॉर शी न्यू that he was one of the best image makers in the whole valley. Govind Maharana's images, it's hard to find better work than his. She had heard the townsfolk often say, he was one of the few excellent craftsmen left, and she nursed her pride in secret. And yet some inner voice hammered at her. Was it because he had asked for a better price, a rather exorbitant one, than what was considered reasonable lure? An image of that size, she was convinced that her husband was a righteous man, but was not it possible that his seeming greed had angered the unknown? Clear, pile? The button, dekho. Perhaps the clay he had been using was just the major sort of adhesive quality. अच्छा देखो एठी पिले से कहिला जे बोध हुए मु जो मूर्तिकारे तयारी करि आसुचि कोन मूर्तिकारे मूर्ति तयारी करि आसुचि बोधे सेटारे कोन ना अठालिया अंश कमी जाय छि व्हिच मेक्स फॉर द स्मूथ टाइट बाइंडिंग एक रे तो सी आगर जो मूर्तिका तैयारी करथिला ता अपेक्षा कम अठालिया परिमाण जो मूर्तिकार कम अठालिया गुण अच्छे से मूर्तिका को कौन करुचे ना से यूज करुचे मूर्ति तैयारी कर पारे जहाँ फल कि कौन हो बहुत भल से मूर्ति कौन हो टाइट बाइंडिंग हो बहुत भल से माटी धरी रखुचे कौन मूर्ति तैयारी रे क्लीयर पे एडहेसिव क्वालिटी मान हूँ अठालिया गुण बट इट वाज द सेम सेम क्ले ही हैड बीन यूजिंग फॉर इयर्स से कहला जो मुझे मूर्तिका करुच्छे अठालिया गुण कम रोचे कि मूर्तिका तो सी कौन शह शह वर्ष मतलब सरी ये मूर्तिका तो सी वर्ष वर्ष धरिकी कौन करुचे ना व्यवहार कर आसूँ कौपाई फर इनमरेबुल इमेजेस इनमरेबुल मतलब असंख्य मूर्ति तैयारी करें सी ए मूर्तिका को ही कौन करवहार कर आसूँ एंड से कौन हो मूर्ति ही हैड परफेक्टेड एंड सोल्ड बहुत सुंदर मूर्ति ताकु से कौन करुचे ना बिक्री करुची देन व्हाई द सडन टीयर आर द पॉइंट ताले कहीं हठात एमती जो मूर्ति रे कौन हो फाटी जाऊँगी भांगी जाऊँगी व्हेयर द एलिफेंट ट्रक टुक ए टर्न एंड स्वंग जेंटली डाउनवर्ड ताले कहीं ये मूर्ति रे जो गणेश मूर्तिर शुंड ठारु ही कौन कर टर्न होंड जो बंकी बंकवा पॉइंट रे ही टीयर हो जाऊँ भांगी जाऊँ एंड तल को कौन कर सामान्य झुली पड़ू क्लीयर पे
वाज द वेट टू हेवी फॉर द क्ले। ये देख गोविंद महाराणा गेस करुच्ची जे मु तो यही मूर्तिकार शह शह मूर्ति तैयारी करुच्ची एंड ये मूर्तिका को वर्ष वर्ष धरिकी भी मुझे कौन करुच्ची व्यवहार करुच्ची मूर्ति तैयारी ताले एमती कहीं हो बोधे ये जो ट्रंकटा जो शुंडटा कौन हो ना हेवी हो जाऊँ उजनिया हो जाऊँ का तुलन मूर्ति अपेक्षा मोल्ड अफ द इमेजेस फेस टू सपोर्टेड मूर्तिर मुह अपेक्षा अधिक बोधे शुंडटा लंबा हो जाऊँ एंड हेवी हो जाऊँ उजनिया हो जाऊँ से बोधे यू से कौन करूनी सपोर्ट करूनी धरी रखी पारूनी से कौन हो भांगी जाऊँ। सुलोचना डिडंट वांट टू क्वेश्चन हिम अबाउट हिज वर्क। देखो ये सुलोचना अच्छा हु वाज सुलोचना बोले प्रिवियस पार्ट में पढ़ी चे सुलोचना वाज गोविंद महाराणा वाइफ। सुलोचना हूँ कौन गोविंद महाराणार स्त्री। तो ये सुलोचना कौन ना सुलोचना ता स्वामी गोविंदर कार्य विषय नहीं कि कौन सी प्रश्न पचार चाहू ना फर सी न्यू दैट कौन पाई ना कारण से जानी भल भाव जानी ही वाज वन अफ द बेस्ट इमेज मेकर इन द होल भैली। ये जो पूरा उपत्यकार जिते सब मूर्ति कारीगर अच्छा भितर सब भल किए गोविंद महाराणा। तो गोविंद महाराणा इमेजेस इट्स हार्ड टू फाइंड बेटर वर्क दैन हिज। ताले गोविंद महाराणार मूर्ति ए भाया मूर्ति पीले कौन ना याठार बहुत भल मूर्ति पाइबा संभव नुह कौन पाई ना से उपत्यकार गोटे बेस्ट मूर्ति कारीगर किए थी गोविंद महाराणा थी सी हार्ड हार्ड द टाउन्स अफन से ओके। तो सी एक क्या शुणी निजे निजे थोड़े ना निज स्वामी बोली कही दौर ना ना बोले सी कौन ना से टाउन्स फक टाउन्स मैंने सहर फक मान हूँ पीपल। तो सहर लोक मानू सी निजे शुणी बहुत बार शुणी जे गोविंद महाराणार मूर्ति तो याठ आम भल पाइबा पाईपर मूर्ति पाईपर ना ही वाज वन अफ द फ्यू एक्सलेंट क्राफ्ट मैन लेफ्ट। तो जिते जन बची बर्तमान मुहूर्त जिते जन बची मूर्ति कारीगर यही उपत्यकार तो से सबुठार श्रेष्ठ कारीगर किए गोविंद महाराणा एंड सी नस्ट हर प्राइड इन सिक्रेट। आईपाई बिले सुलोचना वाज गोविंद महाराणा वाइफ ओके। तो सुलोचना से कौन कर मने मन से कथा को नहीं कि कौन ता स्वामी ता स्वामी कार्यपाई मन मन कौन निजक गर्व अनुभव करुला क्लीयर पिले एंड येट सम इनर वॉइस हैमर्ड एट हर तथापि पिले तार अंतरात्मारु अंतरर स्वर ताकु कौन कर आघात करुला केमिति वाज इट बिकज ही हैड आस्क फॉर ए बेटर प्राइस जे से बोधे कहीदे कौन पाई वाज इट बिकज एथिपाई आउ एमती हो कि जे से अधिक पैसा कहीदे बोली ओके पिले ए रादर एक्जोरबिटेंट वन ए रादर एक्जोरबिटेंट वन दैन व्हाट वाज कन्सीडर रिजनेबल लर एंड इमेज अफ दैट साइज। तो ये से देख पे ये से कहे मुझे आकचुअली कौन अधिक पैसा मो स्वामी कहीदे से बोधे एमती सहित हो ना आउ कौन पाई सी वाज कनभीन्सड दैट हर हजबैंड वाज ए राइटियस मैन पुणी सी निज निजक कनभीन्स करुच्छी पे निज निज मन को बुझौती जे ना मो स्वामी तो बहुत भल लोक बहुत साधु लोक बट वाज नॉट इट पॉसिबल दैट हिज सीमिंग ग्रेट हार्ड एंगर्ड द अननोन। आउ एथिपाई नुह तो जे मो स्वामी जो अधिक पैसा डिमांड कर कारण अधिक से लोभी हो जाए जो अननोन पिले हियर हु इज अननोन अननोन पिले देखो बोल्ड लेटर रे लिखा जाए तो अननोन मीन्स गॉड ओके। तो ये भगवान को बुझे भगवान आ रागिगले कि लोक मानू अधिक लोभ कारण मूर्ति तैयारी अधिक पैसा मागुच से काले भगवान रागि जाइछन्ती एवं तांको क्रोधर सामना करने को जाकि एमती सब घटना ता सहित क्लियर पिले। तो बर्तमान देखा सेकेंड पार्ट पिले यार जो पार्ट सेकेंड रे आम देखा जे गोविंद महाराणा हु वाज गोविंद महाराणा तार डिटेल्ड इनफर्मेसन दे एंड फैमिली रे केमी केते जन अच्छा युवा विषय सब दे बर्तमान मुझे पाराग्राफ को पढ़ी दौर एंड लाइन बै लाइन मुझे कौन करी ना एक्सप्लेन करी क्लीयर पिले। द 61 ईयर ओल्ड गोविंद हाड ए लार्ज फैमिली टू सपोर्ट दिस इनक्लूडेड ए सन who had a wife and two children.
He had turned out to be an irresponsible drifter who spent his days away from the house fishing idly for shrimp and carp in the Mahanadi. The second son had been taken in as an apprentice in a paper mill. There remained only the youngest, a mere 13 years old. Out of the three, he alone showed promise of taking up the ancestral profession, thus restoring a measure of calm to the father's mind. In all these years, this experience of his was a new one, a feeling of being alone in a ravenous darkness. All his thinking brought Gobind to the inescapable conclusion that there was an element of the supernatural in the mysterious breaking of the image. But what had he had done to deserve this? His life was ordered, restrained, so where could he have gone wrong? True, that a subtle change had come about in the designing of the clay figures, in the eye-catching new apparel, and in the shades of luminous paint he was using these days. But he had not gone about making the changes on his own. They had wanted their gods to be more in tune with times. Gradually, therefore, he had endued with the goddess with slim and curved bodies. Clear, pile? So, dekho, eighty pile ame dekhiba the 61-year-old Gobind. So, how old is Gobind? पिले गोविंद केते वर्ष गोविंद को केते वर्ष थिला गोविंद महाराणा को 61 वर्ष होइथिला हैड ए लार्ज फैमिली टू सपोर्ट आउ तार गुटे बहुत बड़ा परिवार थिला पिले से परिवार दायित्व से नउथिला दिस इनक्लूड से परिवार के रहउथिले दिस इनक्लूडेड ए सन तार गुटे पुओ थिला हु हैड ए वाइफ आउ जार कोन थिले ना दीटा सॉरी जार गोटे स्त्री थिला एंड टू चिल्ड्रन आउ तार दीटा पुओ थिला क्लियर पिले ही हैड टर्नड आउट टू बी एन इरेस्पन्सिबल ड्रिफ्टर पिले देखो तार बड़ पुओ ओके ही एडे किए ही इज द ओल्डेस्ट सन ऑफ गोविंद महाराणा तो ही एडे पिले होची गोविंद महाराणा रो बड़ पुओ जे की पिले थिला इरेस्पन्सिबल बहुत दायित्वहीन व्यक्ति थिला ड्रिफ्टर पिले ड्रिफ्टर माने होची ए पर्सन हु हैड नो एम और हु लीड एमलेस लाइफ क्लियर पिले गोटे लोक जी जाजावर हिसाब से काम कर जाजावर हिसाब से बुलूला तो ये हूँ पिले तार बड़ पु कौन थी ना गोटे दायित्वहीन जाजावर थी जीक तार दिन गुड़ाक बीतौला किपर अवे फ्रम द हाउस फिशिंग आइडली क्लियर पिले तो सी कौन करूला ना मछ मारूला मतलब अलसुआ भाव से कौन करूला ना मछ मारूला कौट मछ मारूला पे महानदी मछ मारूला फोर श्रीम्प एंड कार्प इन द महानदी तो महानदी श्रीम्प श्रीम्प हूँ पे कौन ना जो चिंगुड़ी ओके एंड कार्प हूँ पहला मछ पे देख पिक्चर देखी पार थो अलरेडी मुझे श्रीम्प आउ कार्प्र देदेज कौन कहला पे पिक्चर दे आउ गोटे पे ये कही रखी जे श्रीम्प हूँ चिंगुड़ी अच्छा तुम कही थोजे दीदी आम श्रीम तो चिंगुड़ी आम प्रन मान भी चिंगुड़ी जानते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्रीम्प एंड प्रन तो प्रन हूँ गोटे बड़ साइज़ रो चिंगुड़ी एंड श्रीम्प हूँ गोटे छोट साइज रो चिंगुड़ी चुना चुना छोट छोट चिंगुड़ी आस क्लीयर पे तो आउ जो प्रन हूँ पे माउंसिया टाइप रो बहुत बड़ थी एंड से जो आमर बेसिकाली कौन ना गोटे लुणी जल आ मधुर जल चिंगुड़ी थाए ना तो सेटा हूँ पिले श्रीम्पटा हूँ ना छोट छोट चिंगुड़ी आउ प्रनटा हूँ बड़ चिंगुड़ी क्लीयर पिले अच्छा तो से महानदी बड़ पुआ कौन करा ना जाजावर हिसाब से महानदी मछ मारूला पहला मछ आउ कौन चिंगुड़ी मछ द सेकेंड सन हाड बीन टेकन इन आज एन आप्रेटाइज इन ए पेपर मिल तो तार जो द्वितीय पुओ थी सी कौन करा ना नुआ करके से गोटे कागज कलर आप्रेटाइज हिसाब से कम करूला There remained only the youngest. आउ रहिला किए पिले सानपु सबुठ सानपु से कौन कर मियर 13 इयर्स ओल्ड केत वर्ष होता पिले ताकूला 13 वर्ष आउट ऑफ़ द थ्री ये जो तीन जन पुओ मान भितर हि एलोन शोड प्रमिस् सी ही केवल गोटे पुओ जी की
प्रमिस करिथिला प्रतिज्ञा करिथिला ऑफ टेकिंग ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रोफेशन कौन प्रतिज्ञा करिथिला जे तार कौलिक वृत्ति को ग्रहण करिबा पाए दस रिस्टोरिंग ए मेजर ऑफ काम टू द फादर्स माइंड तो ता बापांकर जो उद्वेग जनिकता बापा जो ता बापांक मो जो उद्वेग अवस्था बा ता बापांकर टिके टेंशन कमे बापाई बा तांको बापांक सहित मिलीमिशी काम करने से तार निजर कौलिक वृत्ति को कौन करा आपणे नहीं ओब्विययसली जदि जड़े कम कर सहित आउ जे पिले कम कले कौन लगे ओब्विययसली कि भल लगे एंड कथबार्ता करू करू कम के सरीज भी जमापड़ ना तो द यंगेस्ट सन एंड गोविंद महाराणा वाज वर्किंग इन आइडल मेकिंग ओके तो कौन आइडल मेकिंग या मतलब मूर्ति या कौन करम कर In all these years, this experience of his was a new one, a feeling of being alone in a ravenous darkness. तो जिते वर्ष है से मैंने कम कले ओके तो यो घटनाटा पे कौन थी ना नुआ थी ए फिलिंग अफ विंग एलोन इन ए रावेनस डार्कनेस तो यो रावेनस डार्कनेस मतलब हूँ पिले काल रात्रीर अंधकार टाइप रिमती गोटे काल रात्रीर अंधकार निजक एकुटी अनुभव कर तो से भाया ही गोविंद महाराणा वाज फिलिंग लाइक द सेम इन द लाइक इन ए रावेनस डार्कनेस पूरा सेमती ही अनुभव करुला किए गोविंद महाराणा ऑल हिज थिंकिंग ब्रॉट गोविंद टू द इनएस्केपेबल कंक्लूजन तो ये सारा भाविला कथा कौन मुंड को आसला सी कौन कर गोविंद महाराणा फाइनाली कंक्लूजन फाइनाली सिद्धांत पहुँचला जे देआर वाज एन एलिमेंट ऑफ सुपर नेचुरल तो किछी ना किछी तो अलौकिक शक्ति अच्छी पिले सुपर नेचुरल होची अलौकिक शक्ति तो किछी ना किछी अलौकिक शक्ति अच्छी इन द मिस्ट्रियस ब्रेकिंग ऑफ द इमेज ये जो मूर्ति रहस्यजनक भाव में मूर्ति कौन करुच्छी भांगुची से रहस्यमय मूर्ति भांगा पक्ष निश्चिंत भाव में कौन ना अलौकिक शक्ति अच्छी बट व्हाट हैड ही डन टू डिजर्व दिस ताले कौन यार कौ भूल हो गला एत सब कौन कर सहवाक पड़ू हिज लाइफ वाज ऑर्डर्ड तार लाइफ तो बहुत श्रृंखलित बहुत डिसिप्लिन्ड ऑर्डर्ड मान हूँ पिले श्रृंखलित रिस्ट्रेंड रिस्ट्रेंड मान कंट्रोल्ड तो तार लाइफ हूँ बहुत ऑर्डर्ड बहुत डिसिप्लिन बहुत श्रृंखलित बहुत कंट्रोल्ड बहुत मतलब संयम बहुत संयम सहित से कौन करे ना ता लाइफ को लीड करे सो व्हेयर कुड ही हैव गन रॉन्ग ताले कोठारे तार भूल रही गला ट्रू दैट ए सबटल चेंज हैड कम अबाउट इन द डिजाइनिंग ऑफ द क्ले फिगर्स हाँ यहीटा सत कथा जे एत दिन काम करिया भितर से ता डिजाइन रे किसी परिमाण रे कौन करी ना चेंज आनी इन द आई कैचिंग न्यू अपेरल तो आउ कौन लोक मानक लोक मानक आखि को झलसई देला भाया विभिन्न कलर रण कर वस्त्र मूर्ति रे विभिन्न देवदेवी मूर्ति रे परिधान करई एंड इन द शेड्स ऑफ लुमिनस पेंट लुमिनस पिले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुमिनस लुमिनस मीन्स हूँ पिले ब्राइट तो लुमिनस माने विभिन्न प्रकार शेड मतलब विभिन्न प्रकार उज्ज्वल रंगर उज्ज्वल रंग कौन कर मूर्तिर रंग कौन करेपन कर दे हाड वांटेड दे आर गॉड्स टू बी मोर इन ट्यून विथ द टाइम्स ग्राजुअली दे आर फोर ही हाड एंड्यूड द गॉडेस विथ स्लिम एंड कर्व्ड बॉडीज अच्छा देख से ये कहूँ बट ही हाड नॉट गन अबाउट मेकिंग द चेंजेस ऑन हिज ओन ये से कहूँ जे हाँ डिजाइन परिवर्तन आनी नुआ क्लथेस विभिन्न प्रकार आई कैचिंग क्लथेस देवदेवी गोटे पिंधि एंड विभिन्न प्रकार रंग से सेड भी करूँगी किंतु यहाँ पिले कौन टा मन इच्छा करुच्चे कि सी ना पे सी कहे जो डिशनटा से मन इच्छा नहीं ना से केवल समय को सहित ताल दे ही से ही प्रकार मूर्ति से बनाऊे बिकज देख से जदि ता जेजेबापा बापा अमल गोविंद महाराणा बापा जेजेबापा अमल मूर्ति से सेम कलर से सेम डिजाइन एंड से सेम सेड दब तो ओब्विययसली के मूर्ति नवा को पसंद कर कारण समय जमती चेंज हो जा लोक मान मेन्टालीटी भी चेंज हो जा लोक मान थॉट प्रोसेस भी चेंज हो जा तो से लोक मान जेहेतु विभिन्न प्रकार मतलब कौन विभिन्न प्रकार
ନୂଆ ନୂଆ ରୂପରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଣା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତିର ଆଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ଡିଜାଇନ୍ର ବନଉଛି। କ୍ଲିଅର ପିଲେ? ତ ଏଇଠି ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଣା କହୁଛି ଯେ ଟାଇମ୍ ସହିତ ମୋତେ ବି କ'ଣ କରିବା, ତାଳ ଦେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଦେୟାର ଫୁର୍, ସେଇଥିପାଇଁ ସମୟକ୍ରମେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ହି ହାଡ଼ ଏଣ୍ଡ୍ୟୁର୍ଡ଼ ଦ ଗଡ଼େସ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସମୟକ୍ରମେ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ନା, ସ୍ଲିମ୍ ଆଣ୍ଡ କର୍ଭଡ଼ ବଡ଼ିଜ୍, ଦେବୀମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ପିଲେ କ'ଣ କରିଦେଇଛି, ସ୍ଲିମ୍ କରିଦେଇଛି, ପତଳା କରିଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ କର୍ଭଡ଼ ବଡ଼ିଜ୍। କର୍ଭ ମାନେ ବକ୍ର, ମତଲବ ଏମିତିଆ, ଓକେ, କର୍ଭ ମାନେ ଏମିତି ଫିଗର୍ର କରିଦେଇଛି। ତ ବେସିକାଲି ଆଜ ୟୁ ନୋ ପିଲେ, ବଡ଼ି ପ୍ରତି କନସିୟସ୍ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଜିକାଲି ହେଇଗଲେଣି, ଯେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଧ୍ୟାନ ଧ୍ୟାନ ନେଇକି ଶରୀରକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ପତଳା ଝିଅ ହେଲେ ଭଲ, ପତଳା ପୁଅ ହେଲେ, ମତଲବ ପତଳା ଝିଅ ହେଲେ ଭଲ ବେସିକାଲି, ଆଣ୍ଡ ମୋଟାପଣକୁ ବହୁତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ଏମିତି ବି କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଜ୍ ୟୁ ନୋ ପିଲେ ଆମକୁ ହେଲ୍ଦି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିଅର ପିଲେ? ତ ସ୍ଲିମ୍ ଖାଲି ଆମେ ପତଳା ହେଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ପିଲେ ସେଇଟା ନୁହଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବି ଯେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ନା, ତ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଡ଼େଶମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇ ଫିଗର୍ ଦେବାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେଣି, ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି। କ୍ଲିଅର ପିଲେ? ତ ଏଇଠି ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଣା କହୁଛି ଯେ ମୋର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ, କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛି। କ୍ଲିଅର ପିଲେ? ତ ନେକ୍ସଟ ଯା ପିଲେ, ବଟ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ନଥିଂ ଫ୍ଲାସି ଏବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଇମେଜ୍ ଅଫ୍ ଗଣେଶ ହି ୱାଜ୍ ଆଟ୍ ୱାର୍କ ଅନ୍, ଦେନ୍ ହ୍ୱାଇ ସୁଡ଼୍ ଦିସ୍ ହାପେନ୍ ନାଓ? ତ ବଟ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ନଥିଂ ଫ୍ଲାସି, କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଣା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଛି, ଏଇ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ହିଁ କିଛି ଏପରି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମିତି ଘଟୁଛି, ଦେନ୍ ହ୍ୱାଇ ସୁଡ଼୍ ଦିସ୍ ହାପେନ୍ ନା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମିତି କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ଅର୍ ୱାଜ୍ ଇଟ୍ ବିକଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ 250 ରୁପିଜ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଆସ୍କଡ୍ ଫର୍ ୱାଜ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ରିଜନେବୁଲ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଏ 6 ଫୁଟ୍ ହାଇ ଇମେଜ୍ ଅଫ୍ ଗଣେଶ ହି ସ ହିଜ୍ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସନ୍ ରଞ୍ଜୁ କମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ୱାର୍କ ରୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେୟାର୍ ଆଟ୍ ଦ ଅନ୍ଫିନିଶ୍ଡ ଗଣେଶ। ଓକେ ପିଲେ, ତ ଦେଖ, ସେ ଏଇଠି କହିଲା ଯେ ମୋର ଏମିତି କିଛି ତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତିଆରି କରିନି ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଥାଇପାରେ କି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ଫୁଟ୍ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚଢ଼ା, ଲାର୍ଜ ମତଲବ ହାଇ ଆମାଉଣ୍ଟ, ଲାର୍ଜ ମାନେ ପିଲେ ବଡ଼, ଚଢ଼ା ଦରର ଅନ୍ରିଜନେବୁଲ୍, ଅହେତୁକ, ଅନ୍ରିଜନେବୁଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲେ ଅହେତୁକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚଢ଼ା ଦରର ମୋଟା ଅଙ୍କର କ'ଣ, ଯେଉଁ ଚଢ଼ା ଦରର ମୋଟା ଅଙ୍କର ମୁଁ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛି ବୋଲି ଆଉ ଏମିତି ହେଉଛି କି? ତାହେଲେ କେତେ ଡିମାଣ୍ଡ ପିଲେ କରିଥିଲା? 250 ଓନ୍ଲି 250, 250 ଟଙ୍କା, ପୁଣି 6 ଫୁଟ୍ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ, ତ ଏଇଟା ପିଲେ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଅଧିକ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଦେଲା, ତ ଏବେ ହେଲେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତା। ଏନିୱେ, ତ ଏଇଠି ଦେଖ, ସେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା, 6 ଫୁଟ୍ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ 250 ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲା। ତ ସିଏ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଅଧିକ ବୋଧେ ପଇସା କହିଦେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏମିତି ହେଉଛି। ହି ସ ହିଜ୍ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସନ୍ ରଞ୍ଜୁ, ଆଚ୍ଛା, ତା ଯେଉଁ ଛୋଟ ପୁଅ, ସବୁଠୁ ସାନ ପୁଅ କିଏ ପିଲେ, ରଞ୍ଜୁ ପିଲେ, ମନେ ରଖ ନେମ୍ ତାର। ତ ରଞ୍ଜୁ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସନ୍ କମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ୱାର୍କ ରୁମ୍, ତ ତାର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ରୁମ୍କୁ ପିଲେ କିଏ ଯାଉଥିଲା, ରଞ୍ଜୁ ଯାଇଥିଲା। ତ ରଞ୍ଜୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ଘରକୁ ଗଲା, ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେୟାର୍ ଆଟ୍ ଦ ଅନ୍ଫିନିଶ୍ଡ ଗଣେଶ, ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ଫିନିଶ୍ଡ, ଫିନିଶ୍ ହେଲା ସମାପ୍ତ, ଅନ୍ଫିନିଶ୍ଡ ହେଲା ପିଲେ ଅସମାପ୍ତ, ଅସମାପ୍ତ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ଦେଖିଲା, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲା, ସେତେବେଳେ ୟାକୁ କିଏ ଦେଖିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ଦେଖିଲେ ଯେ ରଞ୍ଜୁ ସେ ୱାର୍କରୁମ୍କୁ ଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ଅସମାପ୍ତ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ପୁରା କ'ଣ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଦେ ଆସ୍ ଇଟ୍ ହାପେଣ୍ଡ ଏଗେନ୍, ଦ ବୟ ମମ୍ବଲ୍ଡ ବିଟର୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲିଞ୍ଚ ଆଟ୍ ଦ ପେନ୍ ହି ସ ଇନ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ସ ଆଇସ୍। ଦେ ଆର୍ ପିଲେ, ଦେ ଆର୍ କହିଲେ କେଉଁଠି, ଦେ ଆର୍ ମାନେ ହେଉଛି ଦ ଟ୍ରଙ୍କ, ମତଲବ ଶୁଣ୍ଢଟାରେ, ତ ଶୁଣ୍ଢରେ ଏମିତି ପୁଣି ଥରେ ହେଇଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତ ଏଇ କଥାଟା କିଏ କହିଲା, ଦି ବୟ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ବୟ, ଦି ବୟ ଇଜ୍ ରଞ୍ଜୁ, ରଞ୍ଜୁ ପୁଣି କହିଲା, ମମ୍ବଲ୍ଡ ବିଟର୍ଲି, ବହୁତ ମତଲବ ମମ୍ବଲ୍ଡ ମତଲବ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ହେଇକି କହିବା ପିଲା, ବିଟର୍ଲି ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲିଞ୍ଚଡ୍ ଆଟ୍ ଦ ପେନ୍ ହି ସ ଇନ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ସ ଆଇଜ୍।
ଆଉ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲାକୁ। ବୋଲେ ଏଠି କ'ଣ ନା ନିଜ ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ଏଠି କିଏ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା। ତ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ଆଖିରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲା କେମିତି ପିଲେ, କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପିଲେ ବନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କଷ୍ଟ କାହାକୁ ଲାଗେ, ଓଭିୟସ୍ଲି ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଆଣ୍ଡ ସେଇ କଷ୍ଟକୁ ପୁଅ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା କି ରଞ୍ଜୁ। ଦ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦ ରୁମ୍ ଫେସିଂ ଗ୍ରିଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡୋ ସେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ନର୍ଦର୍ନ ୱାଲ୍। କ୍ରାକ୍ସ ହାଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଆପିୟରିଙ୍ଗ ଆଟ୍ ସେଭରାଲ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ହୁଆର୍ ଦ କ୍ଲେ ହାଡ୍ ଡ୍ରାଏଡ୍। ଦ ଷ୍ଟ୍ରଷ୍ଟ ସ୍କେଲିଟନ୍ ଅଫ୍ ଇମେଜ୍ ସୁଡ୍ ଇଟ୍ସ ଫର୍କ୍ସ ଥ୍ରୁ ଦ ମଡ୍ ହୁଆର୍ ଦ ଟ୍ରଙ୍କ୍ ହାଡ୍ ଟର୍ନ୍। କ୍ୱିକ୍ଲି ରଞ୍ଜୁ କ୍ଲିୟର୍ଡ ଦ ଡେବ୍ରି ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଦ ଇମେଜ୍। ହି ବ୍ରଟ୍ ଏ ଫ୍ରେଶ୍ ମାସ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲେ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଇଟ୍ ବିଫୋର୍ ହିଜ୍ ଫାଦର୍ ଟୁ ନିଟ୍। ଗୋବିନ୍ଦ ଲୁକ୍ଡ କ୍ଲୋଜ୍ଲି ଆଟ୍ ହିଜ୍ ସନ୍। ନୋ, ଦେର୍ ୱାଜ୍ ନୋ ଟ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ରିଡିକ୍ୟୁଲ୍ ଏଭିଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଫେସ୍। ନୋ ହାର୍ସନେସ୍ ଅଫ୍ ୟଥ୍, ମିୟର୍ଲି ଏ ମ୍ୟୁଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ। ହିଜ୍ ଗ୍ଲାନ୍ସ ଟର୍ଣ୍ଣ ଟୁ ଦ ଇମେଜ୍ ଏଗେନ୍, ଆଣ୍ଡ ବିଫୋର୍ ହି ରିଅଲାଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଡୁଇଂ, ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ୱେଆର୍ ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍ ନିଡିଂ ଦ କ୍ଲେ ୱାର୍ମଲି ପ୍ରଫେସନାଲି, ମେକିଙ୍ଗ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟିକ୍ନେସ୍ ଆଜ୍ ହି ବିଗାନ୍ କେୟାରଫୁଲି ଫିଲିଂ ଦ ଟିୟର୍। ଗୋବିନ୍ଦ ହାଡ୍ ନିୟର୍ଲି ଫିନିଶ୍ଡ ମେଣ୍ଡିଂ ଦ ବ୍ରୋକେନ୍ ଟ୍ରଙ୍କ୍ ୱେନ୍ ରଞ୍ଜୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ୍ ହିମ୍। ଫାଦର୍, ଦ ଡ୍ରଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ, ମେ ବି ଇଟ୍ ଶୁଡ୍ ବି କ୍ଲୋଜ୍ଡ। ଦ ଇମେଜ୍ ନାଉ ଆପିୟର୍ଡ ଆଜ୍ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମୁଥ୍ ଆଜ୍ ମ୍ୟାନିକ୍ୱିନ୍, ଦେଆର୍ ୱେର୍ ନୋ ଟ୍ରେସେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିକରିଂ ଡିଜାଷ୍ଟର୍। ଦ ପସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଅ ଗଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୱିଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ଦ ଇମେଜ୍ ୱାଜ୍ ଟୁ ରିମୋଟ୍। ଗୋବିନ୍ ଥଟ୍, ବଟ୍ ଦ ଇମେଜ୍ ହାଡ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ଦ ଓପନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ, ଓନ୍ଲି ଏ ମିଟର୍ ଆୱେ। ହି ହାଡ୍ ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଇମେଜ୍ ହିମ୍ସେଲ୍ଫ ଡେଲିବରେଟ୍ଲି ଇନ୍ ଦ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋର୍ ଲାଇଟ୍ ୱୁଡ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ୱର୍କ୍, ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱେଟ୍ କ୍ଲେ ୱୁଡ୍ ଡ୍ରାଏ ଅପ୍ ସୁନର୍ ଫେସିଂ ଦ ଡ୍ରଟ୍ ଅଫ୍ ୱିଣ୍ଡ, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡ କୁଡ୍ ବି ଏ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଭର୍ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ହିଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ହି ଡିସାଇଡେଡ୍ ନଟ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡ, ଇଟ୍ ସିମ୍ସ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍। କ୍ଲିଅର୍ ପିଲେ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଦ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ପିଲେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକି ଥିଲା। ଟୁ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦ ରୁମ୍, ରୁମ୍ର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଥିଲା ରଖାଯାଇଥିଲା, ଫେସିଂ ଦ ଗ୍ରିଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡୋ, ଆଉ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ମୁହଁଟା ପିଲେ ଯେଉଁ ଲୁହା ତାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ନର୍ଦର୍ନ ୱାଲ୍, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗର କାନ୍ଥକୁ ସେଟ୍ କରିକି ମୁହଁଟାକୁ କ'ଣ ନା ଗ୍ରିଲ୍ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିକି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। କ୍ରାକ୍ସ ହାଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଆପିୟରିଂ ଆଟ୍ ସେଭରାଲ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଦେଖ, ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲାବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୁଖିଯାଏ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଫାଟିବାକୁ ଲାଗେ, ତ ସେଇ କଥା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମାଟିଟା ଶୁଖିଯାଇଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ଫାଟ ଫାଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଫାଟି ଫାଟି ଯାଇଛି, ଓକେ, ଫଟା ଯାଇଥିବା ଅଂଶ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦ ଷ୍ଟ୍ର ସ୍କେଲିଟନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇମେଜ୍ ସୋଡ୍ ଇଟ୍ସ ଫର୍ସ ଥ୍ରୁ ଦ ମଡ୍ ୱେର୍ ଦ ଟ୍ରଙ୍କ୍ ହାଡ୍ ଟର୍ନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ର। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି କରୁ? ଷ୍ଟ୍ରରେ କରୁ। ପ୍ରଥମେ ତା'ର ଯେଉଁ ସ୍କେଲିଟନ୍, ମତଲବ ତା'ର ଯେଉଁ କଙ୍କାଳ ରୂପଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆଗ ପ୍ରଥମେ ତା'ର ଯେଉଁ ରୂପଟାକୁ କେମିତି ଦିଆଯାଏ ପିଲେ, ଆଗ ନଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ କରିଦିଆଯାଏ, ତା'ପରେ ଆମେ ମାଟି ଦିଆଯାଏ। ତ ଷ୍ଟ୍ର ଏଇଠି ସେ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଯେଉଁଠୁ ଶୁଣ୍ଢ କ'ଣ ହେଇଛି, ଶୁଣ୍ଢଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେଇଠୁ ହିଁ କ'ଣ ନା ନଡ଼ା ଫଡ଼ା ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ତେଣ୍ଟା ଭଳିଆ କ'ଣ ବାହାରିଛି, ସେଠୁ ମାଟି ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ତ ତେଣ୍ଟା ଭଳିଆ ସେଇଟା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠୁ ଶୁଣ୍ଢରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମାଟି। କ୍ଲିଅର୍ ପିଲେ? ତ କ୍ୱିକ୍ଲି ରଞ୍ଜୁ କ୍ଲିଅର୍ଡ ଦ ଡେବ୍ରିସ୍ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଦ ଇମେଜ୍, ତ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଡେବ୍ରିସ୍, ପିଲେ ଦେଖ ଡେବ୍ରିସ୍ ମାନେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ଯେଉଁ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଓକେ, ତ ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାରିପଟରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ମାଟି ହଉ କି ଯାହା ବି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଏ କରିଦେଲା ନା, ରଞ୍ଜୁ କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେଲା, ସଫା କରିଦେଲା। ହି ବ୍ରଟ୍ ଏ ଫ୍ରେଶ୍ ମାସ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତଟକା ମାଟି ଆଣିଲେ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଇଟ୍ ବିଫୋର୍ ହିଜ୍ ଫାଦର୍ ଟୁ ନିଟ୍। ପିଲେ ତା'ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲା ନା, ସଫା କରିଦେଇକି ତଟକା ମାଟି ଆଣିଲା, ଫ୍ରେଶ୍ ମାଟି ଆଣିଲା, ଆଣ୍ଡ ସେଇ ମାଟିରେ ସେ ମାଟି ଆଣିକି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲା, ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ପାଖରେ ରଖିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ, ଟୁ ନିଡ଼, ଦଳିବା ପାଇଁ। କ୍ଲିଅର୍ ପିଲେ?
कारण माटी को जैसे दलिक दल से कौन कर मूर्तिटा तैयार बहुत भल हम तो गोविंद लुक डू क्लोजली आट हिजन जिते से रखीदे बापा आगे गोविंद महाराणा आगे तो गोविंद महाराणा पुह को बहुत भल भाव निरीक्षण कले बहुत भल देखे नो देर वर नोट रेस अफ रेडिकुल तार जो सान पु मुहरें कौन देखिले कौन सी उपहासर कौन हो ना उपहासर छाप ता मुहर जना पड़ूनी आम बेसिकली कौन जो मूर्ति भांगी गला ओब्विस्ली आम मजाक करती कि हताशा हो जाती कि जो रंजु रंजुर मुहर कौन सी भी कौन देखा जा ना ना उपहासर छाप देखा जाता ना हताशार छाप ता मुहर देखा जाता ना जौवन उदमतार छाप देखा जाता मियरली ए म्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ द मोमेंट जहाँ भी होती है कौन भल भाव ग्रहण करदे हाँ भांगी जाए बर्तमान आम आउ थे गढ़ा तो यही एक्सेप्टेंस ता माइंड रे अच्छे हिज ग्लांस टर्नड इन टू द इमेज अगेन तो से पुणी ता देर जना पड़ी देखे जना पड़े हाँ आउ थे मूर्ति तैयारी करदे ओके तो यही भावना का मुहर जना पड़ी रंजु मुह को चाहिए And before he realized what he was doing, किसी कौन करू थिला एडा बुझीबा पूर्वरु his hands were once again kneading the clay. इस समय भाव हेना से गोविंद महाराणा कौन कले पुणी चकटिला वार्मली प्रोफेशनाली आगर जमी बहुत भल भाव जत्नर सहित तार कौलिक वृत्ति को बहुत भल भाव से करूला से भाई भाव से कौन कला ना बहुत भल भाव से चकटिला मेकिंग इट इन टू द रईट स्टिकनेस आज हि विज्ञान केयरफुली फिलिंग द टीयर बहुत भल भाव चकटिला जपरी से जो फाट फाट गुड़ाक कौन करदेव से माटी द्वारा कौन करदेव पूरा कम्प्लीट करदेव पूरा परफेक्शन देवाई गोविंद हैड नियरली फिनिश्ड मेंडिंग द ब्रोकन ट्रंक व्वेन रंजू इंटरप्टेड हिम तो गोविंद सॉरी पिले बहुत बाहर आउटसाइड नॉइज हो तो टे भल से कनसेट्रेट कर था कि बुझीपार तो गोविंद हैड नियरली फिनिश्ड मेंडिंग द ब्रोकन ट्रंक व्वेन रंजू इंटरप्टेड हिम तो गोविंद कौन ना गोविंद महाराणा से जो शुंढटा को मेंड करूला चिकन करूला जो जो सब फाट फाटी जाता तो चिकन जमती सरीजे रंजू बाधा दे कि मझे कहला बापा फादर द ड्रॉप फ्रॉम द विंडो तो बापा हुए तो झरका पाखर पवन स्रोत बही आस जाऊ से ही पवन स्रोत कौन यू शुंढा कौन कर भांगी जाए मे बी इट सुड बी क्लोज बोध हुए से जो झरकाटा को जब आम बंद करदे निश्चिंत भाव में आम शुंढ भांग द इमेज नाउ अपीयर्ड एज ए क्लीन एंड स्मूथ एज मैनेक्विन तो पे देख मैनेक्विन मैंने ये पे पिक्चर देखिपार तो हाँ जमी सप आगे विभिन्न प्रकार शॉपिंग जो जाऊ पिले किणवापी लुगापटा ड्रेस सब जाऊ तो आगे पिले सब एमती थाए ना गोटे मॉडल परिका ह्यूमन बॉडी पूरा डिटो पूरा गोटे मनुष्य रूप कर दे कि रखिदे ताको आम मैंने कौन कहते क्लीयर पिले कौन पोशाक पिंधे थी ना पूरा मतलब गोटे पोज पूरा ठिया विभिन्न प्रकार पोज ठिया क्लीयर पिले तो पिक्चर देखिपार तो ऑलरेडी अच्छा तो बर्तमान से जो मूर्ति को कौन कला ना मूर्ति को जिते बेले गोविंद महाराणा मेंडिंग कला जिते बेले फाट थी अंशे माटी देदेला से कौन है ना बहुत सुंदर देखाला एंड बहुत क्लीन देखाला दे आर वी आर नो ट्रेसेस ऑफ द रिकरिंग डिजास्टर तो से जो मूर्ति किसी आगर मूर्ति सहित किसी बोली किसी जना पड़ा ना मतलब मूर्ति कौन सी भी दाग जना पड़ा ना बहुत क्लीन नीट एंड क्लीन बहुत स्मूथ था मूर्तिटा द पॉसिबिलिटी ऑफ ए गस्ट ऑफ विंड ब्रेकिंग द इमेज वाज टू रिमोट तो एडी पिले गोविंद महाराणा भावुचे ना पवन स्रोत गोटे मूर्ति को भांगी दबो सेटा रेयर बट द इमेज हाड बीन प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द ओपन विंडो हाँ यहाँ किंतु मूर्तिटा को कौन ना खोला झरका पाखे रखीदे यहाँ सत कथा जो खोला झरकार अति पाखर की मुझे रखीदे ओनली ए मीटर आवे गोटे मीटर दूर रखी ही हार सिफ्टेड द इमेज हिमसेल्फ से निजे कौन कला मूर्ति टाइम सिफ्ट कला डेलीवरेटली इन द ऑर्डर दैट मोर लाइट वुड बी अवेलेबल फॉर हिज वर्क से निजे पे सिफ्टेड करो पाक कौन पाई ना एक रे तो जो
कौन हम ना लाइट पड़ से सूर्य किरण पड़ पड़े कौन हम ना मूर्तिटा जल्दी कौन हो फिनिश हो जल्दी सुखी जीव भी एंड द वेट क्ले वुड ड्राई अप सोनर आदा मटी शीघ्र कौन हो पे सुखी जीव फेसींग द ड्रॉप ऑफ द विंडो जेहेतु पवन आसीबो बट दैट द विंडी कुड बी अ डेस्टर्ड हैड नेवर एंटर्ड हिज माइंड सीना पवन बाजी बोली सुखी बोली माटी सेटा ता मुंड को जोटी थिला किंतु एटा से केबे भाबे नथिला जे से सेही पवन भी विनाशकारी हे जीवो ता मूर्ति पई ही डिसाइडेड नॉट द विंड इट सीम्स इम्पॉसिबल कर ना ना पवन केते बेले भी गोटे भांगी नथिबो सुंढ को एटा असंभव क्लियर पिले तो बर्तमान देख आम सेकेंड पार्ट ऑलरेडी कवर करदे तो आशा करूँ वीडियो बहुत भल लगी एंड जदि भल लगे लाइक कर आउ पे गोटे कथा कह चैनल को प्रथम थर आ सब्सक्राइब कर एंड सांग सहित सेयार कर जी पार्ट वन देखिन पार्ट वन जा देखी दि पे एंड आम सब अष्टम नवम दशम बेसिकली आम इंग्लीश मैथ एंड साइंस एंड सोशल स्टडीज वीडियो बनाऊ जो आखपाख फ्रेंड्स मानू आ दीदी बड़ भाई कि भौणी मानक जनाओ ताकि पढ़ी पारे ओके तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।